हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ खेरा 333। और आज मैं आया हूँ DLF कैपिटल की मोती नगर में। मतलब आया क्या, मैं तो यहाँ रहता हूँ, बट आप सबके लिए रिक्वायरमेंट्स बड़ी ज़्यादा और ज़बरदस्त आ रही थी कि फ्लैट्स के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो मैं कहा चलो एक फ्लैट आया नज़र में, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे टावर में, DDA पार्क फेसिंग, सन फेसिंग फ्लैट, और बहुत ही अमेजिंग इंटीरियर किया गया। तो ज़रा आपको उसकी झलक दिखाते हैं। 1510 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, और बाकी इतना सारा इन्फॉर्मेशन क्या आपको बताओ, एक बार चल के आपको दिखाई देते हैं ना। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको DLF कैपिटल गेन्स मोती नगर में 3 BHK प्लस 2 बाथरूम फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट। मगर आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये अपार्टमेंट देखने को मिले। आगे पूरी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ये पूरा अपार्टमेंट, और बताने वाला हूँ अपार्टमेंट में क्या क्या इंक्लूसिव है, क्या व्यू है, क्या साइज है, क्या रेट है। तो कैचअप करते रहिए और पूरी वीडियो एंड तक देखिए। इस अपार्टमेंट का साइज है 1510 स्क्वायर फीट। ये अपना लिविंग एंड डाइनिंग है। तो जैसे मैंने आपको कहा था ये पूरा घर फुली फर्निश्ड है, तो आपको हर रूम में मिलेंगे AC, कर्टेन, लाइट्स एंड फैन। और लिविंग एंड डाइनिंग रूम में आपको मिलता है सोफा सेट, TV, डाइनिंग टेबल। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने किचन की तरफ। किचन अपना मॉड्यूलर है, चिमनी है, फ्रिज है, RO है, और साथ में एक है अटैच्ड बैल्कनी जहां पे आप आराम से एक वॉशिंग एरिया बना सकते हो। ये अपार्टमेंट ना सेल और रेंट दोनों के लिए अवेलेबल है, तो रेट और मेंटेनेंस के चार्जेस आपको आगे बताता हूँ और पूरे घर का टूर अच्छे से देता हूँ, तो देखिए इस वीडियो को पूरा एंड तक। तो आगे बढ़ते हैं और आपको इस अपार्टमेंट के कैपिटल ग्रीन्स की जो मेन USP है वो बताता हूँ। कैपिटल ग्रीन्स की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ना हर रूम के साथ एक ना एक बालकनी तो है ही है, और इस अपार्टमेंट में सबसे मेन USP जो है वो है DDA पार्क फेसिंग। तो यहाँ पे एक तो हमेशा रहेगी हरियाली, और दूसरा यहाँ पे ना आगे कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती क्योंकि DDA पार्क फेसिंग है, तो कभी आपके सामने खुला आसमान हमेशा ही रहना है और नीचे हरियाली हमेशा ही रहनी है। और अभी कंस्ट्रक्शन वर्क जो आप यहाँ देख रहे हो ये DLF वाले अपने आप कराते रहते हैं यहाँ पे अपडेट वगैरह ना। यहाँ पे जो JLL अथॉरिटी है और DLF मिलके इसका जो टेक केयर है, जो मेंटेनेंस है, जिसके आप चार्जेस पे कर रहे हो, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो बहुत ही बढ़िया और वर्थ इट है। DLF कैपिटल गेन के अपार्टमेंट को परचेज सेल रेंट के लिए आप नीचे के नंबर को कॉल कर सकते हो, और अगर आपको DLF मिड टाउन में बुकिंग करनी है और उसके लिए कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नीचे नंबर दिया है, उसे व्हाट्सएप या कॉल आप दोनों ही कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये अपना लॉफ्ट यानी कि स्टोरेज एरिया। ये अपना रूम नंबर 1, काफी स्पेशियस है, अलमीरा भी है, AC भी लगा हुआ है, और साथ ही साथ है वुडन फ्लोरिंग। इस अपार्टमेंट की मेंटेनेंस, मतलब इस साइज वाले अपार्टमेंट की मेंटेनेंस अप्रोक्सीमेटली है 6200 रुपीस। DLF कैपिटल ग्रीन्स में 3 BHK काफी टाइप के, जो साइज स्टार्ट होता है वो है 1550 स्क्वायर फीट से, जो जाता है 1750 स्क्वायर फीट तक, जिसमें ड्रेन फेसिंग, इंटरनल फेसिंग, फ्लोर वाइज वेरिएशंस भी है।
इन वेरिएशन के कारण ना तो प्राइजेस में भी वेरिएशन आता है, जो शुरू होता है 2 करोड़ से और जाता है 3 करोड़ रुपए तक का। ये सामने डीएलएफ मिड टाउन कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसकी बुकिंग के लिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। ये कॉमन बालकनी है जो अटैच्ड है रूम नंबर 2 से। ये है अपना रूम नंबर 2। ये काफी स्पेशियस है, उसके अलमीरा भी स्पेशियस है। अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। और इस रूम को आप किड्स रूम या फिर गेस्ट रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। इन्होंने तो ऑफिस बनाया हुआ था, आप इसको कुछ भी बना लीजिए। डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स में 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK, जिनकी साइज वेरिएशंस के बारे में काफी डिफरेंस है रेट्स में भी। अगर आपको परचेज करना है, रेंट करना है, कभी भी आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं आपको आगे डिटेल्स बता दूंगा। अब बढ़ते अपने रूम नंबर 3 यानी कि मास्टर बेडरूम की तरफ, जहां पे ये अटैच्ड वॉशरूम। इस मास्टर बेडरूम को देख के ना आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आप इसको अनफर्निश्ड फ्लैट लो और इसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसके साथ एक बेड इंक्लूडेड है, आपका एसी इंक्लूडेड है और अलमीरा। अलमीरा भी काफी स्पेशियस है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। पिछले वाली में मैंने एक साइड ओपन करी, इसमें मैं आपको दोनों साइड ओपन करके दिखाता हूँ। मास्टर बेडरूम का साइज काफी बड़ा है और उसके साथ मिलती है आपको अटैच्ड बालकनी। और अगर आप हायर फ्लोर में लोगे ना तो आपको जो ये बालकनी है ना वो एल शेप की लंबी बालकनी मिलेगी। और बात करते हैं इसकी एक और बढ़िया यूएसपी की, ये फ्लैट है सन फेसिंग, तो यहाँ पे काफी टाइम धूप रहेगी और काफी मतलब आपका घर वेंटिलेटेड भी रहेगा, क्योंकि ग्रीनरी तो है ही आपके सामने। और अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अगर आपको ऐसा फ्लैट परचेज करना है तो आपको देना पड़ेगा प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 90 लाख रुपए का, और अगर रेंट पे लेना है तो अप्रोक्सीमेटली देने पड़ेंगे 55,000 रुपए प्लस मेंटेनेंस। और इस वीडियो में आपको जो रेट्स बता रहा हूँ ना वो अभी के हिसाब से, क्योंकि पिछले वीडियो में ना और अब की वीडियो में रेट्स में बहुत डिफरेंस आया, लोग पुराने रेट के हिसाब से मांगते हैं तो वो तो भाई साहब मिलना नामुमकिन ही है इस वक्त। और डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स में 3 BHK, 2 BHK, 4 BHK आपको सेल परचेज या रेंट करना है तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर डीएलएफ मिड टाउन पे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK में आपको परचेज करना है फ्लैट तो आप मुझसे बुकिंग के रिलेटेड जो क्वायरीज है उसके बारे में बात कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये फ्लैट आया होगा पसंद। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ केरा 333। पसंद आया लाइक, नहीं पसंद आया डिसलाइक। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखो और इसको शेयर करो मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो गाइस, क्या पता किसी और के लिए ये वीडियो यूजफुल हो। ओके एंड प्लीज फॉर माई सपोर्ट एंड योर क्रिएटर सपोर्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।